के क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज गुना पहुंचे। वहीं पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीखे वार किए। सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय की उस टिप्पणी के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब आलाकमान इशारा कर देगा सरकार को गिरा देंगे, के ऊपर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र की हत्या करती है और यह उनकी नीति बन चुकी है। वहीं ईवीएम हैक कराने के ऊपर भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने अमेरिका से कहा है कि ईवीएम हैकर आने में बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी पार्टियां सम्मिलित हैं। इस पर सिंधिया ने कहा कि यदि लोकतंत्र के साधन में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ होती है तो ये बहुत ही निंदनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि पुराने तरीके से चुनाव किए जाएं। वहीं खुद के द्वारा बीजेपी विधायक से मिलने पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में दोनों पार्टियां आमने सामने होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जितना हक पक्ष का होता है उतना ही विपक्षी पार्टियों का भी, इसलिए दोनों को सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करने पर उन्होंने कहा, ठीक है, इसी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की बयानबाजी करना बहुत ही गलत है, इनसे बीजेपी विधायकों को बचाना चाहिए। वहीं कांग्रेस की जीत पर उन्होंने कहा कि ये जनता का अपार विश्वास और प्यार है जिसके बलबूते पर हम चुनाव जीते हैं। वहीं सिंधिया ने बीजेपी नेता की हत्या व मंदसौर में नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या को लेकर कहा कि हत्या तो हत्या ही होती है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं यदि कोई व्यक्ति नेता है तो उसको अलग से इम्पोर्टेंस क्यों दी जाए, जबकि जान की कीमत तो सबकी एक ही होती है। सिंधिया ने साफ तौर पर कहा है कि एक नेता की मौत हो गई इसलिए उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति की मौत की जांच निष्पक्ष तौर पर की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश की जो हत्याएं हो रही हैं वो खुलासा नहीं कर पा रहा इस तरीके से। अब कैलाश जी के वक्तव्य पर मैं टिप्पणी नहीं देने वाला हूँ, आपको मेरी आदत मालूम है। शायद उनको हजम नहीं हो रहा है 11 दिसंबर का नतीजा, थोड़ा समय लगेगा। वो स्टाइल में कहने का कह रहे हैं कांग्रेस को गिरा देंगे जब भी अगर आला कमान का इस तरीके से प्रधानमंत्री का, तो ये उन्होंने कब कोशिश नहीं की है भाजपा ने? भाजपा ने तो पहले दिन से कोशिश उनकी जारी थी, जारी रखें। वो एक्सपर्ट हैं सरकार को किस तरीके से कूटनीति से गिराना, प्रजातांत्रिक सरकार को, और सरकार जिसमें उनकी बहुमत न हो उस सरकार को खरीद फरोख करके कैसे बनाना, इसमें तो वे एक्सपर्ट हैं। प्रजातंत्र की हत्या करने में भाजपा एक्सपर्ट है। विदेश में बैठ के एक साइबर एक्सपर्ट ने भारत के सैयद शुजा, इनका नाम है, उन्होंने ईवीएम पे प्रश्न सैयद शुजा, उन्होंने ईवीएम पे सवाल ये निशान लगाए हैं, कहा कि ईवीएम पूरी हैक हुई 2014 के चुनाव में हुई थी, इसमें सारी पार्टीज इन्वॉल्व है ईवीएम हैक करने में, अकेली बीजेपी नहीं, कांग्रेस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुझे मैंने आज की बड़ी खबर है स्काइप के थ्रू वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, जहां तक ईवीएम की बात है, मैंने सदैव ये माना है कि प्रजातंत्र से बड़ा और कोई हक इस दुनिया में इंसान को नहीं दिया जाता अपना भविष्य का निर्माण करने, और अगर उस प्रजातांत्रिक हक हासिल करने में जो माध्यम अपनाया जाता है उसमें अगर 1% क्या आधा प्रतिशत भी प्रश्न चिन्ह वाला मामला लगा है तो हमें 100% नहीं लेकिन 200% फुल प्रूफ सिस्टम में वापस जाना चाहिए। ईवीएम निर्माण करने वाली कंपनी ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं, हैक नहीं हो सकता। अब मैं इस विश्लेषण में लगना नहीं चाहता क्योंकि मैं टेक्निकल इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन जब अगर प्रश्न चिन्ह लगा है तो हमें वापस एक सिस्टम में जाना चाहिए जहाँ कोई प्रश्न ना हो। बीजेपी के विधायक, मैं मानता हूँ कि बहुत शर्मनाक है, और किसी भी, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि किसी नेता ने, इसलिए नहीं क्योंकि मायावती जी आज देश की नेता हैं, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, पर मैं मानता हूँ कि एक स्तर होना चाहिए और राजनीति कि किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता। मैंने कभी नहीं किया है 17 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में, और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है साधना सिंह जी के द्वारा, बीजेपी के विधायक द्वारा यूपी में मायावती जी के बारे में, मैं मानता हूं कि इसका जितनी भी हम घोर निंदा करें वो कम होगा। और जब तक राजनीतिक दल चाहे किसी पार्टी का हो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं लेंगे तब तक हमारी राजनीति स्वच्छ नहीं हो पाएगी। लेकिन ये तो भाजपा की आदत ही है ऐसे टिप्पणी सभी के बारे में करनी। मुलाकात
मुलाकात थी, क्या आपने उनसे समय मांगा था या उनने आपसे मांगा था, क्या मुलाकात? मैं गया था मिलने के लिए, मैं गया था मिलने के लिए और मैंने आप लोगों से भी सदैव कहा है। कठिनाई है कि आप लोगों को इतनी आदत हो गई है नेताओं को देखते हुए, जिनकी कथनी और करनी में इतनी अंतर होती है कि आप प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर भी लगाते रहते हो। मैंने आपसे सदैव कहा है 16 साल 17 साल में कि चुनाव के दौरान हम लोग आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाए, प्रजातंत्र है ये, तब हम सब लोगों को जनता की सेवा के लिए 5 साल मिलकर काम करना चाहिए। और अगर उस कथन पर मुझे खड़ा उतरना है तो मेरा भी दायित्व तो होता है कि जो व्यक्ति 15 साल मेरे प्रदेश और आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उनसे जाकर भेंट करना, उनसे मिलना, और ये हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आगे 5 साल में सबको साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए।